Okay, sir, last 10 days the broken news has already broken so many records, and like the people are loving it, responding it. What do you want to say, sir? Thank you. Thank you for so much love, so much appreciation. It feels great when you work on something. वो लोगों तक तो पहुंचता है और लोगों को पसंद आता है. फॉर एन आर्टिस्ट नथिंग इज मोर सेटिस्फाइंग देन दैट. एंड वॉट यू वॉन्ट टू से अबाउट योर रोल, ग्रेट रोल, ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. जी अभी धीरे धीरे पीपल आर लाइक वॉचिंग इट, 10 मिलियंस क्रॉस हो चुके हैं. इट्स अ रिकॉर्ड सर, या फर्स्टली. वॉट यू वॉन्ट टू से, कुछ कहना चाहोगे अपने रोल के बारे में? आई थिंक काफ़ी कुछ हर जगह पे कह ही दिया है कि दीपांकर सान्याल हु इज एडिटर इन चीफ ऑफ न्यू जोश 24/7 न्यूज चैनल एंड इज अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी. इज अ वेरी रूथलेस गाय. ही इज वेरी टीआरपी हंग्री पर्सन एंड ऑलमोस्ट अनअपोलोजेटिक फॉर एवरीथिंग ही डज. बट ही हैज़ वेरी वल्नरेबल एंड सॉफ्ट साइड towards the family, which is almost going away from him, and he tries everything to get back that family back. And but on the media front, nobody can touch what he does or how he kind of use each and every method to be on top of TRP game. एंड कंटेंट वाइज सर लाउडली बोल. ओके चलो. अच्छा हाँ सॉरी माइक नहीं. तो कंटेंट वाइज डेफिनेटली क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जहाँ मीडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी जिंदगियों का. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ह्यूमन इमोशंस ऑल्सो. वो सिर्फ ये नहीं है कि जो हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि हमें सिर्फ वो ही दिखाई दे रहा है जो टीवी की स्क्रीन पे आ रहा है. और ब्रोकन न्यूज़ में हम उन लोगों की जिंदगियों में भी झांकते हैं और वही जिंदगियां वही काम वही मीडिया जो जो बाकी आम इंसान के जिंदगी में जो फ़र्क डालती है चाहे अनचाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही जब उन लोगों की लाइफ में असर डालती है जो लोग उसका हिस्सा हैं उन सब की कहानी भी है ये. तो वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कहानी है इन द मेजर बैकड्रॉप ऑफ मीडिया. एंड नाउ सर, लाइक द पुलिसमैन का भी किरदार आपने निभा चुके हैं. एंड नाउ द एडिटर, व्हाट्स अप नेक्स्ट एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड सर? अब एनीथिंग विच इज न्यू टू मी विच हैज़ चैलेंजेस इन इट और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई हैव डन फ्यू प्रोजेक्ट्स विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो एनीथिंग विच इज न्यू टू मी. एंड कंटेंट वाइज की मैं बात करूँ, जो जिस तरह से मीडिया का लाइक हाउ यू हैव सीन द मीडिया चेंजिंग, नाउ नाउ देर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप फ्रॉम द मीडिया. सो इसमें भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है मसाला, जो लाइक टीआरपी के लिए, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे सर? क्या कहूँ वो हो रहा है. क्या कह सकता हूँ मैं कि आप हम मतलब हम उस दौर में हैं जहाँ न्यूज़ बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आप तक पहुँचती हैं लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. तो ये बदलाव है इतने सालों में हमारे हमारे इंफॉर्मेशन वर्ल्ड का. तो उसी के बारे में ब्रोकन न्यूज़ एंड लास्ट टू, वी लाइक वी आर इन द गोल्डन एरा ऑफ ओटीटी, या एंड आपके सारे सीरीज जो पाताल लोक हो गई, ब्लडी ब्रदर्स एंड दिस वन, सब ओटीटी पे आए. द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स द ओटीटी प्लेटफॉर्म है, एज एन एक्टर हाउ ओटीटी हैज चेंज योर लाइफ सर? आई थिंक गुड वर्क चेंज्ड माई लाइफ इन अ वे. बट ओटीटी हैज़ बिन प्लेटफॉर्म फॉर दिस. और वो सिर्फ मेरी नहीं मुझे लगता कि वो पूरे कंटेंट ड्रिवन जितना भी सिनेमा बनेगा उसको उसके साथ वो बदलाव आया ही है क्योंकि ग्लोबल है रीच ग्लोबल है और लोगों के हाथ में डिसीजन है कि वो आपको देखना शुरू भी करें या शुरू करके बंद कर दें या वो पूरा देखें और आपको 10 बार देखें. ये उनका डिसीजन होने वाला है. तो यू हैव टू हैव बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू गिव देम द कॉन्टेंट ऑफ देयर चॉइस और देयर मूड और वट एवर. बट एज एन एक्टर इट्स
सेम फॉर मी इफ आई वर्क ऑन ओटीटी और सिनेमा, बिकॉज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव द बिलीवेबल थिंग्स और बिलीवेबल कैरेक्टर्स टू यू. दैट डजंट चेंज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. एंड सोनाली मैम इज आल्सो देयर. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Anything like great, great. I have always been, you know, the entire generation has always been fan of her work, and you know, तो वही recently 3 दिन पहले उनके साथ हम मामा पे डांस कर रहा था, जो कि you know iconic है हम सब के लिए. तो amazing experience working with her and knowing her as a human being is much more. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया, तो उस तरह से तो कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं, बट नोइंग हर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, व्हाइल वाचिंग हर ऑन ऑन सेट्स, इट्स बीन अमेजिंग. लाइक रिसेंटली वे वी हैव सीन दैट रिसेंटली लाइक वी हैव सीन सो मेनी एक्टर्स कमिंग फॉर द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सो इट हैज बीन लाइक अ चेंज फॉर द ओटीटी प्लेटफॉर्म. माधुरी दीक्षित मैम, सोनाली मैम, व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट? It's not just, I mean, of course, वहाँ भी इतना सारा काम हो रहा तो लोग आएंगे ना उस पर. आई मीन व्हाट डू आई से, इट्स गुड फॉर सिनेमा. आई मीन ठीक है, सब जगह काम हो रहा है, लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जिसके साथ भी बना रहे हैं, गुड आई से. एंड व्हाट इज द वन सिमिलरिटी थिंग दैट यू हैव सीन इसके किरदार में और आपके किरदार में, लाइक इन योर रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, अ सिमिलर थिंग? व्हिच किरदार? ये ब्रोकन न्यूज. अच्छा, what I have similarities, yeah, what you have seen, similarities between Jaydeep Alawal and Deepak Kasanga. Not much, but the family thing is there, of course. Yeah. Always emotional about family thing, and I'm little short tempered sometimes. I think there are two things which is similar to Deepak Kasanga with me. And lastly, what do you want to say to the audience? Thank you so much for all the love you have given to Broken News, and जिन्होंने नहीं देखी प्लीज देख लो और बताओ कैसी लगी. सोशल मीडिया पे है, हम इंस्टा पे हैं, हमें जरूर पहुंचाओ आपको कैसा लगा, और अगर कमियां भी लगी हैं वो भी बताओ, और प्यार जितना आपने दिया है इसको अभी तक, आगे के कामों को भी देते रहिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके पास हर बार कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मजेदार लेके आता रहूं जो आपने पहले कभी नहीं देखा. एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट पाताल लोक 2? पाताल लोक में काफी इंटरेस्टिंग प्यार आपको मिला था जी. पाताल लोक 2 सीन्स पीपल आर वेटिंग फॉर, लाइक इट हैज बीन लाइक मोर देन 2 इयर्स. या व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट? इट्स कमिंग वेरी सून, क्योंकि 2 साल पेंडेमिक में निकल गए, तो हमें उसको जल्दी शुरू करने का मौका नहीं लग पाया, बट इट्स कमिंग नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द शूट इन फ्यू weeks or a month. And now you have done so many roles, so any role would you love to explore in the future? आपने अब तक जो नहीं किया है? नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी सर. ये सवाल 15 साल बाद पूछना, अभी शुरुआत हो रही है. 15-20 साल बाद अगर ये सवाल पूछेंगे तो शायद बेटर जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि तब तक बहुत और भी बहुत कुछ कर चुका हूँ. अभी के लिए सवाल बहुत, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.